सरल टास्क, बढ़िया मजा आया। किसने खुद का डांस एंजॉय किया और किसने किसी और का डांस एंजॉय किया? मैंने खुद का ही। तो आप जब भी लोग डांस कर रहे थे तभी हमारे एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की है, देखा है पहले उन्हें अपने ऑडिशन में जो थे वो थे निशित। तो चलिए निशित से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। निशित, आप हो हमारे इस सीज़न के सबसे पहले वाइल्ड कार्ड। आपसे पहले एक गेस्ट आए थे, वो रहे थोड़े टाइम और चले गए। सो कैसा लग रहा है इन सभी को मिलकर? जी मैं पहले आया, बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया और अपनी यूनिक वर्ल्ड प्रोडक्शन की टीम जो हाउस ऑफ रियलिटी सीज़न 2 करने जा रही है उसमें मुझे मौका मिला, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आया। और इन लोगों को देखकर क्या लगता है कौन होगा आपका टॉप कॉम्पिटिटर? अभी तो कुछ कह नहीं सकता कि कौन होगा कॉम्पिटिटर, क्योंकि अभी अभी सब स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे आगे हो जाते देखा जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी डिसाइड करके आया वैसे जी नहीं, क्योंकि इसमें टास्क ही कुछ अलग होते हैं, इसलिए टास्क के हिसाब से दिमाग दौड़ाने पड़ते हैं उसके हिसाब। तो ऑल द बेस्ट निशित, थैंक यू। अब मैं आपको बता दूँ आपके टास्क के रिजल्ट, ठीक है? एक्साइटेड? यस। तो ये टास्क के बाद 2 पैर जो है वो सीधे सीधे सेफ हो जाएगी, ऐसे देखिए मतलब तो सीधे सीधे पैर जो है वो सेफ हो जाएंगे। और जिसने सबसे बेटर डांस किया और साथ ही में एक्सप्रेशन ज़्यादा निकालने में सक्सेसफुल रहे, वो जो पैर है सबसे फर्स्ट पैर जो सेव हो रहा है वो है निशांत शिवानी। मैक्सिमम रिएक्शन इन्होंने निकलवाया है अजिंक्य से और डांस भी इन्होंने बेटर किया है। तो निशांत एंड शिवानी आप सेफ हो, आप थोड़े अलग जाके खड़े रह जाइए। आप अभी आप देखिए नाउ नेक्स्ट 3 पैर, क्या लगता है कौन सेफ होगा? इनको ही पूछ रहे थे, क्या लगता है आपको? अजिंक्य। तो लेट्स डिस्क्लोज इट, इतना ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना है। तो जो सेफ हो रहा है वो है देवांश एंड शिरा। अजिंक्य, आपने काफ़ी स्कोर गवाए अपने रिएक्शन देख के, तो उसके भी नेगेटिव स्कोर जाते हैं, तो अजिंक्य का लॉस आपको हुआ वैसा आप समझ सकते हो। तो अभी आप चारों जोन अभी डेंजर जोन में हो, ठीक है? बट अभी जो 4 लोग सेफ हैं उनको मैं एक पावर देना चाहूँगा। आप इन चारों में से किसी भी एक को आपसी सहमति से बचा सकते हैं। आप लोग पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर आप ज़्यादा सिंपल सा अगर सोचे गेम के वाइज की भी क्या हो सकता है, तो अजिंक्य ने गेम बहुत ज़्यादा पॉइंट खेल दिया, तो वो ब्लैक और उसकी वजह से वो टोपी वाला भी फंस गया। तो अगर हम अजिंक्य को सेव कर लेंगे ना तो टोपी वाले के साथ बनता है, तो अगर अजिंक्य को नहीं सेव करेंगे अनफेयर हो जाएगा उसके साथ, इसलिए अनफेयर हो जाएगा। तो उनके बच्चे सब जो बात है येलो वाला ब्लैक वाला वीर के और अक्षर, वीर और अक्षर दोनों से किसको पता? मेरे तो अक्षर। चलो पहले अपने अपनी वोटिंग और रीज़न बोलते हैं, तो अपना क्या लगता है तेरे को? मेरे को लगता है अक्षर, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा डांस किया, उससे ज़्यादा उसने जब वो कर रहे थे ना कॉमिक टाइम तो उसमें बोलने ज़्यादा कमेंट्स दे रहे थे, ज़्यादा कॉमेंट्स दिए। मुझे भी लगता है, मुझे भी अक्षर लगा। आपको देख अजिंक्य को, अजिंक्य और देख अजिंक्य को, अजिंक्य सिंपल सी बात है। अभी सर ने क्या बोला, अजिंक्य ज़्यादा हाथ वाला पैर तो फंस गया, अगर उसको सेव कर लेते हैं तो भी कुछ बोल तो अजिंक्य उसके साथ अंतर हो जाएगा, ठीक है? तो अक्षर को कर देते हैं, अक्षर अजिंक्य को करने में प्रॉब्लम है, बट अजिंक्य को अगर हमने सेव कर दिया तो टोपी वाले को नहीं करते हैं, टोपी वाले को करना चाहिए। क्योंकि अजिंक्य से अच्छा टॉप पे नहीं किया ना उसने, उसने नहीं दिया और उसने टॉपी वाले से अच्छा तो ब्लैक वाला किया। हां तो मैं वही बोल रहा हूं, अजिंक्य से अच्छा ब्लैक वाले उस टॉप पे नहीं किया, टॉपी से अच्छा उसने किया अक्षर ने। अक्षर ने परफॉर्म भी अच्छा किया है और अजिंक्य की वजह से उसने ज्यादा परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ। हाँ तो फाइनल डिसीजन अक्षर। उसने हंसाया भी और हंसा भी है, वो नेगेटिव है पर पॉजिटिव भी है उसका। पर उसका पैर वाला भी वो हो गया ना प्रॉब्लम आ गया, वो क्यों अजिंक्य के साथ जो था उसके साथ अंतर हो जाएगा। अगर हमने अजिंक्य को सेव कर लिया तो अगर सेव करना तो अजिंक्य को नहीं करें, टोपी वाले को करेंगे। तो अगर तो अजिंक्य को सेव करना ही अगर तो सोचा तो टोपी वाले को करेगा, दोनों ऑप्शन में सेव कर। और मेरे को लगता है अगर टास्क वाला अजिंक्य अच्छा परफॉर्म कर लेगा वो बच जाएगा। तो अजिंक्य बच जाएगा, सर बच जाएगा वो टास्क करने पे नॉमिनेशन। मुझे वीर का कोई आइडिया नहीं कि वीर ने कैसे किया। मैंने वीर को मैंने देखा ही नहीं है पूरे, मैंने तो खुद ही ढक दिया। ओके टाइम अप। ओके सो आप लोग अपना डिसीजन बताओ। उससे पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि आप सेफ हो चारों के चारों और काफ़ी अच्छा आपने टास्क परफॉर्म किया है। सो आपको हमारे पार्टनर फूड पार्टनर मार्कोस की तरफ से मिल रहे पिज़्ज़ा। उनको पकड़ो पड़ी जैसा टॉपिंग तो दिखाइए जरा कैमरा में। मार्कोस के पिज़्ज़ा आपको मिल रहा है, आप लोग भी चिंता मत कीजिए आपको भी मिलेगा। तो दैट्स इट, अभी साइड पे रख दो। सो डिसीजन बना लिया आप लोगों ने? यस सर। आप चारों में से कोई कुछ कहना चाहेगा बताइए। देखो पहला टास्क में भी मैंने ट्राई किया था और मैं सेफ नहीं हो पाया था और इस टास्क में भी मैंने अपना बेस्ट किया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट किया है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे सेव करिए, मुझे सेफ होना है, मुझे सेफ जो बॉन्डिंग कर रही वो शायद बहुत क्लोज है। दूसरी बात ये है कि सेव करके तो मेरा भी उनकी तरफ से वही रिस्पॉन्स रहेगा जो उनका रहा। नेक्स्ट टाइम जब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा नेचर कैसा है। अगर आप लोग आज मुझे फेवर करते हो तो डेफिनेटली। ओके तो अभी फाइनल डिसीजन शिवानी अक्षर पंचोली, आप अक्षर पंचोली को सेव करिए। यहाँ पे सब लोगों ने अच्छा टास्क परफॉर्म किया बट ये दोनों के एक पैर थे, ये दोनों के एक पैर थे। और जैसा आपने कहा कि अजिंक्य ने पॉइंट्स दिए परफॉर्म अच्छा किया बट उसके वजह से बहुत सारे पॉइंट्स आ भी गए और उसका जो पार्टनर है उसकी भी एफर्ट थी बट उसके पॉइंट्स आने की वजह से वो लोग डेंजर जोन में आ गए। तो अगर हम अजिंक्य को सेव करते हैं तो उसके साथ अनपेयर हो जाता और इन और बच्चे अब ये दोनों पैर और ये दोनों पैर में से इन कंपेरेटिवली इसका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इसके कंपेयर इसके बाकी इस वजह से आप इनको तो इन लोगों ने सेव किया है अक्षर पंचोली को। बट एक रिविलेशन मैं कर दूँ, इन दोनों से ज़्यादा पॉइंट पहले लोग माइनस में से परिंदे हुए तो एक रिविलेशन ठीक है। अजिंक्य के वजह से पॉइंट गए हो पर फिर भी एक पॉइंट इनका इन दोनों के पैर से ज़्यादा था। ओके एनीवेज डिसीजन इज टेकन। सो डिसीजन अभी चेंज नहीं हो सकता बट अक्षर कॉन्ग्रेचुलेशन आप हो सेफ जोन। तो अगेन बॉटम थ्री है हमारे पास जिसमें अक्षर बारोट अजिंक्य एंड वीरेंद्र। अभी भी आप तीनों के पास एक और चांस है मेरे पास एक पावर है, मैं आप तीनों में से किसी को भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूं, बट आपको मुझे कन्विंस करना है कि आप मैं सर्वाइव करेंगे। मैं स्टार्ट करती हूं, मुझे क्यों आप लोग करते हो सेलेक्ट करने में लेट्स आउट। तो पहले कौन जरूर पाएंगे, पहला गेम पहले भी ऐसे नॉमिनेट हो सकता है, किसी को पहचानता नहीं था। उसके बाद जब कौन पता चला तो मैंने लाइव का देख दिया कि पूरी तरह सर। अभी जब नहीं पता है हमारे में से ऐसा कोई नहीं इसी तरह हमने कभी तो ट्राई किया है जैसा अभी आपने बताया कि आप पहले से पहचानते नहीं लगता कि ये लोग आजिंक्य नहीं, उनको कुछ नहीं कहीं ना कहीं आप लोग सबको ग्रुप में इंटरटेन भी करता हूँ, थोड़ी बहुत सलाह भी देता हूँ। किसी का भी मोटिव होता है या तो जैसे ना वो मेरा जेन्यून रहता है, किसी कहते हैं ये मेरे साथ अच्छा है तो मुझको हाँ पैर आंसर रहेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? टॉप 3 तक बहुत अच्छा। तो मैंने टास्क के बेसिस पर लिया जाए तो मैंने इस टास्क में अपना 100% दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने एफर्ट नहीं किया, फुल एफर्ट किया और सबके साथ मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी है और आगे जाके भी अपना मैं 100% दे सकता हूँ अगर आप मुझे अपना एक चांस दे दो। क्या लगता है 100% अगर आप दे पाओगे तो कहाँ तक पहुँचोगे? सर फाइनल तक तो आराम से पहुँचोगे। ओके सो अजिंक्य, आपके पास ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज था एक्टिविटी जीत के। क्या लगता है आपने अक्षर को चूज़ किया फिर भी आप उसको यूटिलाइज कर पाए क्योंकि अभी आप बॉटम थ्री में, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये अच्छा डांसर है तो मुझे थोड़ा पता चला उसकी बॉडी मूवमेंट के ऊपर से, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। बट फिर सर आपने कहा कि स्टेप लिए थे तो हम लोगों ने वो लाइट लिया और फिर नॉर्मल स्टेप लिए थे और जो रिएक्शन मेरी वजह से आए वो मेरी भूल थी। मैंने बट उस तरह मैंने पॉइंट कवर भी किए थे लाइक डांस के थ्रू एंटरटेन के साथ और दूसरों को थोड़ा बहुत जैसे कि अभी आपने आपको लीग से बाहर ही जैसे कि अभी आपने बताया कि डांस भी अच्छा कर लेते हैं, डांस आप भी अच्छा करते हैं तो दोनों को सेम पॉइंट हुआ, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन इनके कम निकले थे, आपके ज़्यादा निकले थे, एक वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट। और जैसे अभी आपने स्पीच दी मुझे कि अगर मैं आपको चांस देता हूँ तो आपको लगता है कि आप टॉप 3 तक जाओगे, इन्होंने बोला ये जीतेंगे, तो वो वर्ड ऑफ डिफरेंस हो गया। तो एनीवेज मैं अक्षर आपको सेव करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अजिंक्य और आपको मिलेंगे थैंक यू सो मच। खाना खा लो मार्कोस के पिज़्ज़ास। तो अक्षर, इस टास्क में भी आप बॉटम 3 में थे, पहले भी बॉटम 3, इस टास्क में भी बॉटम 3, बट आप सेफ हो गए क्योंकि मुझे आपके रीजंस कुछ अच्छे लगे। तभी जो बाकी के 2 लोग हैं आई मीन टू से अजिंक्य और वीरेंद्र, सो उन दोनों में से आपको किसी एक को सेव करना है और वो क्यों, उसका रीज़न भी बताना है। मैं अजिंक्य को सेव करना चाहूँगा क्योंकि जो शो में कंटेंट चाहिए तो मुझे उसमें दिखा है, जैसे वीरेंद्र में मुझे नहीं दिखा। मतलब अजिंक्य अपना परफॉर्मेंस फुल्ली देखते हैं, आगे मैं जो भी 2 टास्क हुए उसमें अजिंक्य का मैंने देखा है वो फुल उनका सपोर्ट 100% होता है और वो टास्क भी एक से एक बढ़िया टास्क है। शिवानी, अब आपको दोनों में से एक नाम ऐसा बताना है जिनको आप सेव करना चाहिए। अजिंक्य। और रीजन? वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है और वो अच्छा दोस्त है। अच्छा। और वो एक अपना बेस्ट देता है। वो यहाँ पे भी उसका नेगेटिव पॉइंट था पर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे कि वो अच्छा मिमिक्री भी करता है, वो अच्छा डांस भी करता है। ओके सोक्षर, अब आपको दोनों में से ऐसा नाम बताना है जिनको आप सेव करना चाहते हैं। इनको मैं सेव करना। हाँ, मैं अजिंक्या को सेव करना चाहता हूँ। रीज़न? क्योंकि उसका एफर्ट मुझे लगता है उसके पार्टनर की वजह से कम हो गया है, तो वो एफर्ट दे सकता है कंपेयर टू वीरेंद्र, इसलिए मैं अजिंक्या को सेव करना। हाय सर। सो देवांश, अभी आपको दो नाम में से एक नाम ऐसा बताना है जिसको आप सुरक्षित करना चाहते हैं। और रीज़न? ऑफ कोर्स अजिंक्या, क्योंकि उसके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है और वो वीरेंद्र से कंपेरेटिवली ज़्यादा डिजर्विंग है, तो मैं फेयरली खेल के अजिंक्या को सेव करना चाहूँगा और वीरेंद्र को नॉर्मल एलिमिनेट करना चाहूँगा। ओके सुशीराक, अजिंक्या और वीरेंद्र में से आपको एक नाम ऐसा बताना है जिनको आप सेव करना चाहोगे। अजिंक्य क्यों? जो सभी तरह से अभी मैंने देखा ये टास्क में, तो सभी तरह से वो अच्छा था, उसके साथ अनफेयर हुआ था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सो निशांत, एक नाम आपको ऐसा बताना है जिनको आप सेव करना चाहोगे। मैं अजिंक्य को सेव करना चाहता हूँ क्योंकि अजिंक्य विजेंद्र से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अभी कुछ गलतियों के कारण उनको बॉटम टू मारना पड़ा, बट वो ज़्यादा स्ट्रांग है विजेंद्र से। तो विजेंद्र कौन है? इन दोनों में से इन लोगों ने इनकी तकदीर चुन ली है, कौन इस शो में रहने वाला है और कौन जाने वाला है इस शो से। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि टाई हुआ है 3-3, नहीं, 6-0 है। 6-0 मतलब जिसको भी निकालने के लिए किया उसको सारे के सारे वोट मिले। ठीक है, और ज़्यादा बिल्टअप नहीं करूँगा मैं, आप लोग को भी ऐसा सस्पेंस हो रहा है। 6 के 6 वोट अजिंक्या को मिले। थैंक यू। अजिंक्य, आपने सोचा था कि 6 के 6 लोग आपको वोट करेंगे आपको बाहर निकालने के लिए? तो पहली बात है कि मैंने जो इन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाया है वही मेरे लिए बहुत है। ओके। जितना मैं उनको समझता हूँ, अब मुझे पता चला वो लोग मुझे उतना समझते भी है। ओके, 6 के 6 वोट दे के आप घर ही चले जाओ सीधा। ठीक है, तो वीरेंद्र कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप घर जा रहे हो क्योंकि वो 6 वोट इन के लिए थे, सेव करने के लिए थे। ठीक है अजिंक्य, ठीक है वीरेंद्र, इससे पहले भी आप वोट आउट में थे, तब बच गए थे, इस बार हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आपके दोस्तों के बारे में? कुछ नहीं, लोगों के साथ उनसे कि वो भी अच्छी है और सभी तरह से, मतलब मैंने तो अच्छा ही परफॉर्म किया। ठीक है, तो आप मिल सकते हैं अपने दोस्तों से और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं चिटचैट विद प्रीत पटेल। ओके, और आपको देखेंगे हम फिनाले पर। वो बोल ही नहीं रहा, तू कुछ कर ही मत। बेसिकली आप उनको कुछ नहीं कर सकते हैं।